दिया करता था, नॉट जस्ट यूपीएससी, क्योंकि छोटी छोटी नौकरियां जो हैं वो लोगों की जिंदगी में ज्यादा बड़ा डिफरेंस लाती हैं। मैंने सोचा था कि अनंतनाग पोस्टिंग के बाद मैं साउथ कश्मीर के बच्चों को भी इस तरह की रोज सुबह क्लासेज या ये सब दे पाऊंगा, लेकिन ये जो कोविड-19 पेंडेमिक आया इसकी वजह से ये सब चीजें मैं नहीं कर पाया। तो पिछले कुछ समय से मैं अपने एरिया को भी समझ रहा था, अपना काम की भी मसरूफियात ज्यादा थी। अब थोड़ा सा जब मुझे लग रहा है कि मैं एटलीस्ट संडे को बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा वक्त अपना दे पाऊंगा, तो हमारा जो ऑपरेशन ड्रीम्स नाम का जो इनिशिएटिव जम्मू में चलता था वो ऑफलाइन था, उसी की तर्ज पर अब मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को ऑनलाइन ऑपरेशन ड्रीम्स की क्लासेस एटलीस्ट एक या दो घंटे के लिए हम लिया करेंगे। इसकी जो टाइमिंग है और जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो मैं अपने सोशल मीडिया और अनंतनाग पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से आपको अपडेट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर यूपी के हर क्षेत्र के बच्चों को एक दो घंटे जो भी मैं जिंदगी में सीखा हूं वो उनसे शेयर कर पाऊं। मुझे इसमें मोटिवेशन इसलिए भी है कि मैं जिंदगी में कॉलेज यूनिवर्सिटी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे लोगों ने गाइड किया था, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गाइडेंस से भी कोई बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ पाए। सर इसमें कोशिश हमेशा रहती है कि एक एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट ना किया जाए, नॉलेज का जो परस्यूट है उसको अगर बच्चे पकड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में जाए, वो बैंकिंग में जा सकते हैं, टीचर, हमारी जो पोस्ट ऑफिस है और बहुत बहुत सारी सरकारी नौकरियां जो टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। हमारा पर्पज है बच्चों को एक दिशा दिखाना कि आप अपना फ्यूचर बनाएं, अपना करियर बनाएं। कोई भी जॉब हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके पास एक काम हो जिंदगी में, आप अपनी रोजी रोटी खुद इज्जत से कमा पाए।